ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका सब्जेक्ट बीएड की बात कर रहे हैं, बीएड का सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। सब्जेक्ट चेंज से मतलब है, एक तो आपके ऑप्शन बीच में होते हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैडागोजिकल सब्जेक्ट की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आप दो सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल थे, आपने एसएसटी जहाँ आपने इंग्लिश लिया था, इंग्लिश की जगह पर आपने फिजिकल एजुकेशन लेना है या कोई और कोई लेना है, आपने चेंज करना है, तो वो कब हो सकता है। दूसरा मीडियम की प्रॉब्लम है, मीडियम की प्रॉब्लम फॉरेन आपने जाना है उसके लिए ये क्रूशल हो सकता है। दोनों बातें इसमें समझेंगे, ये समझ लेना चाहिए कि आपकी एडमिशन जैसे हो चुकी है, एडमिशन होने के बाद एक स्टूडेंट रिटर्न फाइल की जाती है, उसमें हर स्टूडेंट जो एडमिशन बाय लॉ जो रूल है उसके द्वारा हुआ है और उस स्टूडेंट की डिटेल जाती है यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है। कई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि बेसिक फॉर्म फिल किया जाता है क्योंकि ऑनलाइन फिल किया जाता है, वो फिल करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद सिर्फ सेकेंड सेम में यहाँ लिख देते हैं। ये मान लीजिए आपका ये बीएड हमने लिख दिया और बीएड का है सेम ये रहा 1, 2, 3 एंड 4 है ना, तो यहाँ पर सेम 1 में ही जो है एक फॉर्म फिल हो गया। फॉर्म फिल होने से में एक एग्ज़ाम एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिल हो गया, जब इंफॉर्मेशन फिल हो गई, तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने ही जड़ इन्फॉर्मेशन है। बेशक एक बार जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में एक बार ये फॉर्म फिल किया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम जो है सेकंड सेम का फिर फिल किया जाएगा, यहाँ फिर फिल किया, थर्ड का फिर फिल किया जाएगा, फोर्थ का फिर फिल किया जाएगा। तो ये सभी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म या इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑन दैट फॉर्म फिल की जाती है ना, तभी एग्जामिनेशन फॉर्म जब जाता है नॉर्मली कॉलेज आपको आपकी फीस तभी मांगेंगे, तो वो आप फीस देते हो तभी वो एग्जामिनेशन फीस आपकी भेजते हैं, दैट इज़ वाई उससे पहले आपसे फीस डिमांड कर ली जाती है। अब ये है कि एग्जामिनेशन फॉर्म सब्जेक्ट जो आपने चेंज करना है वो केवल फर्स्ट सेम में ही हो सकता है। कौन सा सब्जेक्ट? पैडागोजिकल सब्जेक्ट। दूसरा वो पैडागोजिकल सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लिया था और इंग्लिश की जगह पर आप अब फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हो, फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हो, जहाँ आपने साइंस लिया था फॉर एग्जांपल आप फिजिकल साइंस लेना चाहते हो, जहाँ फिजिकल साइंस था साइंस लेना चाहते हो, ये एग्जांपल हो गई। तो आप एलिजिबल होने चाहिए उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक। फॉर एग्जांपल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके रूल के मुताबिक, आपके पास एक सोशल साइंस है ना, तो आप सोशल साइंस ले सकते हो, हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो एसएसटी ले सकते हो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं ले सकते, दैट इज़ वाई वहाँ उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक आप ये जो पैडागोजिकल सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, वो सिर्फ सेम वन में ही हो सकता है। तो सेम वन में कब हो सकता है? प्रॉबेबली वो एग्जामिनेशन जो इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है वो, और एक रिटर्न फाइल जो होती है, पहली पहला स्टेप वो होता है, क्योंकि जो रिटर्न फाइल हो जाती है ये फॉर्म फिल हो जाते हैं, उसके बाद एक आपकी कट लिस्ट बनती है। कट लिस्ट में आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर जो है, कैटेगरी आपकी क्या है, और ये रहा मीडियम, ये आगे बात करते हैं मीडियम की, और आपने पैडागोजिकल सब्जेक्ट मेन क्या लिया है। तो मैं पैडागोजिकल सब्जेक्ट जो मेजर था वो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन जाती है, उसके बेस पर एडमिशन हुई होती है। दूसरा पैडागोजिकल सब्जेक्ट की जो है वो कॉलेज ने ही देना होता है, तो कॉलेज ने जब देना है, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले वो दोनों कॉलेज जो सब्जेक्ट है फाइनल या चेंज कर सकते हो। अगर आपके एग्ज़ाम के फिल हो चुके हैं कि आपने एसएसटी और इंग्लिश ले लिया है और एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल हो गए, यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन चलेगी, उसके बाद आपकी जो है फीस या फाइन लगेगा, तभी आप दे सकते हो, वो फाइन हैवी होता जाता है। दैट इज़ वाई एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप पैडागोजिकल सब्जेक्ट चेंज कर लेने चाहिए, जो कर सकते हो। ये फीस जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद और एग्ज़ाम के होने के बाद नॉर्मल डेट में जो है आप लगभग 700-800 हज़ार के करीब होती है हर यूनिवर्सिटी। अब दूसरी बात है कि आप क्या मीडियम चेंज कर सकते हो, वो प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड है
यहाँ बी एड लिख दिया। और दूसरी बात ये है कि मीडियम चेंज कर सकते हो, मीडियम चेंज के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सेम वन, सेम वन ये करते हैं, ये वाला सेम वन हो गया, सेम टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, है ना। तो मीडियम चेंज आप किसी भी क्या उसमें कर सकते हो। एक तो है कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, जहाँ जो आपकी कट लिस्ट बन गई है, जब कट लिस्ट बन गई है, कट लिस्ट में जो मीडियम आ गया, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था मीडियम, मान लीजिए आपने उसमें पंजाबी लिखवा दिया, PBI PUNJABI पंजाबी लिखवा दिया, है ना, तो वही आपके सर्टिफिकेट में जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी कट लिस्ट में इंफॉर्मेशन चलेगी वही सर्टिफिकेट में आ जाती है। तो एक बार आपने जो मीडियम लिखवा दिया वो दूसरे, तीसरे और चौथे में वही रहेगा। हाँ, अगर आप चेंज करवाना चाहते हो, आपकी थोड़ी सी फीस लगती है। अब ये फीस कब लगती है, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट सेम के एग्जाम होने से पहले, ये मान लीजिए एग्जाम है, एग्जाम ये एग्ज़ाम से पहले है, तो आपकी मान लीजिए 300-500 इतनी फीस लगभग लगती है ना, तो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे दिया है फर्स्ट सेम का, आपने फिल पंजाबी किया था और आपने पेपर इंग्लिश में दे दिए हैं, ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि आपके सर्टिफिकेट में इंग्लिश आए, तो दैट इज वाई आपको उस कट लिस्ट में चेंज करवाना पड़ेगा। जो एग्जाम जो कट लिस्ट यूनिवर्सिटी ने बनाई है, जब परफॉर्मा फिल करके दिया है, उसमें चेंज करवाने के लिए फिर फीस लगती है। तो पहले सेम के एग्जाम के बाद भी आप इमीडिएट अपना मीडियम चेंज करवा सकते हो, प्रोवाइडेड आपने उसमें पेपर दिए हों। तो ये पेपर फिर वेरिफिकेशन होती है, आपके पेपर निकाले जाते हैं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। जब ये आपने इंटेंशनली अप्लाई किया है कि मेरा मीडियम मैंने ये फिल किया था, मैंने इंग्लिश में पेपर दिए हैं, तो आप काइंडली मेरा मीडियम इंग्लिश कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चा ने सोचा कि मैंने फॉरेन जाना है, इंग्लिश मीडियम लिखा होगा तो मुझे वहाँ फैसिलिटेशन मिलेगी। और ये भी बात याद रखना, अगर आप पंजाबी टीचर वहाँ जाके कनाडा में पढ़ना चाहते हो, तो आपका मीडियम अगर पंजाबी है तो आपको यहाँ हेल्प मिलती है, ये भी बात है। तो ये सोच समझ के अपना फ्यूचर प्लानिंग के मुताबिक आप कीजिए। तो इस केस में आपके जो पेपर हैं, पेपर जो वेरीफाई होते हैं, जो आप ये पूछ रहे हो कि मैंने जी पंजाबी में जो फिल किया था या इंग्लिश फिल किया था, मैं पंजाबी में दे सकता हूँ, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता। हाँ, जब केस होता है, जब दूसरी के मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट आ गया और उसमें आपका आपने इंग्लिश फिल किया था, पंजाबी लिखा आ गया सर्टिफिकेट में, PBI लिखा आ गया, तो आपने कहा जी मैं तो इंग्लिश अप्लाई किया था तो मेरा इंग्लिश मीडियम किया जाए, तो इस केस में वो फिर आपके इंग्लिश मीडियम को भी देखेंगे और पेपर को फिर इवेलुएट करेंगे, है ना। ये दो केसेस में पेपर इवेलुएट किए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा कम, 200-400 में से एक दो बच्चे होंगे जिनका ये प्रॉब्लम आती होगी, अदरवाइज नहीं आती है। तो तीसरी है कि अगर आपने मान लीजिए पंजाबी इंग्लिश में पेपर मीडियम फिल किया था, आपका मीडियम इंग्लिश लिखा आ गया, बेशक आपने पेपर जो है पंजाबी में या सेमी बायलैंगुअल में दिए हैं, तो आपने जो फिल किया था वही आपके सर्टिफिकेट पर लिखा आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी हर एक को वेरीफाई नहीं करती, जिसने अप्लाई किया है, जिसकी प्रॉब्लम है, जिसकी कोई एरर हो गई है वो करेक्ट करवानी है उसकी। हाँ, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप चेंज करवाते हो, जैसे यहाँ है, तो रकम ज़्यादा है, लगभग 5,000 के करीब होगी। अगर इससे पहले है तो लगभग, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का ये फाइनल है, बाकी यूनिवर्सिटी का हो सकता है कि बाद में चेंज नहीं होता हो। दैट इज़ वाई मीडियम और सब्जेक्ट की पहले एग्ज़ाम से पहले अपने डिसीजन लेने चाहिए। यहाँ तक हर हालत में गाइडेंस आपके लिए ये है, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। इमरजेंसी है तो ठीक है, बाहर जाना है, वहाँ डॉलर की बात है, फिर आपको 5,000 नहीं लगेंगे, वो आपकी बात है। अदरवाइज़ प्रेफर कीजिए पहले सेमिस्टर के, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस वीडियो, पहले सेमिस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने से पहले सब कुछ फाइनल कर लीजिए।